गया तो अल्लाह पाक और देगा, अल्लाह पाक के देर है देर नहीं। अल्लाह डॉक्टर ने बोला इसको तंग नहीं करना है, इसको चलाना नहीं, और आपने कल मुझे 3 घंटे चलाया। दुआएं अलग मांग रहे थे कि अल्लाह पाक जो है ना हमें जो है औलाद से नवाजे, औलाद से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अमजद असलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमजद यास्मीन व्लॉग्स। टाइम हो रहा है 1:25, वो भी रात के। तो अभी ये मैडम मुझे लेके आई है बाहर, कह रही है हमें भूख लग रही है। पहले कहती थी मुझे भूख लग रही है, आज कह रही है हमें भूख लग रही है, हमें जो है ना खाना खिलाओ। तो भाई माँ बेटे को बाहर लेके आया हूँ खाना खिलाने। हमेशा की तरह हम लोग जो है ना यही चीज़ ही हमें पसंद है, मटन बिरयानी खाते होते हैं। सीन कुछ ऐसे हैं कि आज की रात मेरी लास्ट नाइट है दुबई में। आज लास्ट है नहीं, एक और रात भी है, 3 को मैंने जाना है। मतलब आज के दिन के बाद मैं कल चला जाऊँगा, 3 को मैंने जाना है वहाँ पर पाकिस्तान मुल्तान। तो अब ये यहाँ पर अकेली है, मैं वहाँ पर अकेला हूँगा। और अभी इसको हमने जो है ना मैंने चेकअप करवाया तो वो कह रहे हैं कि इसको अभी ट्रैवल भी नहीं करवा सकते 2 से 3 महीने। खाना खा लिया है और आज की जो है ना एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है वो भी आप लोगों को बताता हूँ और आज की बैड न्यूज़ क्या है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। यार बैड न्यूज़ तो ये है कि हमने बड़ी कोशिश की कि हम साथ जाएँ, बट ये अब मेरे साथ नहीं जा रही, मैं अकेला जा रहा हूँ। क्योंकि आखिरी टाइम पर हम लोगों ने बड़ी एफर्ट की कि हम दोनों साथ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। बट आज सुबह जो है हम लोग गए हुए थे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने जो है ना इसको बोला कि कुछ दिन आप ट्रैवल नहीं करो, कुछ दिन बाद आप ट्रैवल कर लेना। तो अभी कुछ दिनों के लिए ये ट्रैवल नहीं कर सकती। मैंने तो जाना है, आप लोगों को पता है मैं जनाजे पे भी नहीं गया था, तो आज तो मेरा जाना बनता है इस बारी। 1-2 उठा के खा लेते हैं, इसको भी खिला देता हूँ। चुपचाप खा लो, खा लो, खा लो, खा लो, खा लिए। रोज़ जो है ना 4 से 6 दाने उठा के खाते हैं खाने के बाद। तो अबे परफ्यूम तो लो मेरे लिए, कोई परफ्यूम तो देख लो यार, ये बेकार है। एक और बैड न्यूज़ ये है कि यार इसका मोबाइल कल चोरी हो गया था, iPhone 11। अब ये जो है ना व्लॉगिंग नहीं कर सकती कुछ दिनों तक, क्योंकि जब तक दूसरा मोबाइल नहीं आएगा ये व्लॉगिंग नहीं कर सकती। हमें आप लोगों में से कोई बंदा ये भी बताया कि उस मोबाइल को हम लोग वापस करने के लिए क्या कर सकते हैं। आईफोन था, उसके अंदर सिम नहीं थी, ठीक है। अगर कोई बंदा वाईफाई ऑन करता तो उसके अंदर हमारा एक व्हाट्सअप ऑन था। अब हमने उस व्हाट्सअप को भी वहाँ से बंद करके अपने में ओपन कर लिए। अब उस मोबाइल में हमारा इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह हैं, उनको अभी तक हमने वहाँ से बंद नहीं किया, क्योंकि हमने कहा हो सकता है कोई बंदा वाईफाई जो है लगा के हमें इंस्टाग्राम पर देख के, मतलब के नोटिफिकेशन आता है ना इंस्टाग्राम का, तो वो नोटिफिकेशन देख के मुझसे रब्ता कर सकता है कि यार ये अमजद कौन है, इसके मैसेज आ रहे हैं। लेकिन अभी तक, कल से अभी तक जो है ना तकरीबन 16 से 18 घंटे हो गए हैं कि किसी ने उसके अंदर वाईफाई ही ऑन नहीं किया। अब ये मोबाइल हम लोग वापस कैसे ले सकते हैं, आप लोगों ने ये भी लाजमी बताना है। तुम्हारे घर पे हालांकि 4 से 5 शैम्पू रखे हैं, उसके बावजूद तुम ये शैम्पू ले रही हो। इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारी हर बातें मैं मानना शुरू कर दूँ। डॉक्टर ने बोला इसको तंग नहीं करना है, इसको चलाना नहीं, और आपने कल मुझे 3 घंटे चलाया है। कल जो है ना डॉक्टर ने मना किया था कि इसको पैदल नहीं चलाना, ये घर पे बैठ के मुझे कह रही है मुझे बुर्ज खलीफा पे फायरवर्क देखना है। मैंने बोला चलो, फिर हम लोग जब गए तो इतना लंबा पैदल सफ़र था, इतना लंबा पैदल का सफ़र था कि हम लोग जो है ना ख्वार हो गए, हम लोग इतना ख्वार हो गए ना। आप लोगों को कल दिखाया था लास्ट वाले व्लॉग में। अच्छा तुम्हारा व्लॉग कब आ रहा है, तुम्हारे फैंस मेरे अभी 4-5 दिन रुक जाओ, हाँ जब तक आप वापस नहीं आते। चलो जी, मेरे वापस आने तक जो है ना इसकी व्लॉगिंग बंद है। जब मैं वापस आऊँगा उसके बाद जो है इसकी व्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी। आगे की तरफ चलो यार, मेरे घर वाले सब कह रहे हैं कि उसको लेकर आओ, यास्मीन को लेकर आओ। लेकिन अभी सीन ये है कि डॉक्टर ने बोला है, आप लोगों को पता है पूरा 1 साल हम लोगों ने जो है ना लोगों की बातें अलग सुनी है, दुआएँ अलग मांग रहे थे कि अल्लाह पाक जो है ना हमें जो है औलाद से नवाजे, औलाद से नवाजे। क्योंकि आप आ जाओ ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यास्मीन बच्चों से कितना प्यार करती है, गैरों के बच्चों से कितना प्यार करती है। तो अपना जब बच्चा हो जाएगा तो कितना प्यार करेगी, और क्या लेना है, ले लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है ना औलाद से नवाजा है। लेकिन अब ये सीन है कि ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह मैं गया था, मैंने बोला यार डॉक्टर साहब कोई ने कहा 3 महीने बिल्कुल एहतियात करनी है, कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी, क्योंकि यास्मीन कमजोर है। हाँ उन्होंने बोला है कि ये वीक बहुत है, तो आप लोगों ने जो है ना एक तो ट्रैवल नहीं करना, और दूसरा ज़्यादा पैदल नहीं चलाना, तीसरा कोई टेंशन नहीं देनी, चौथा ये कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैंने बोला लो भाई इसके तो मज़े हो गए, इसको मैं टाइट करता था, अब मैं टाइट नहीं करूँगा, आ जाओ ना, और क्या उठाना है उठा लो। तो सीन ये है कि कल मैं चला जाऊंगा गांव, और वहां पर गांव में जाके क्या हालात होंगे मेरे वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। पता है मुझे, पता है तुम्हारा ईमान जो है ना 1 मिनट में चेंज हो जाता है, मुझे तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। अब क्या चाहिए यहाँ से, पेस्ट्री
करना। कौन सी पेस्ट्री इनमें से चूज कर रहे? भैया पेस्ट्री देना दो। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आज मैंने अम्मी के लिए एक शूज़ लिया था दिन में, और दूसरी बात यह कि इसको मैंने शिफ्ट करना था, मैंने बोला कि इसको इसकी दोस्त के पास छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि जब मैं जाऊँगा तो फिर ये अकेली होगी। कहाँ गई? फिर मैंने कहा ये अकेली होगी तो इसको मैं इसकी दोस्त के पास छोड़ के जा रहा हूँ, और मेरा अभी तक कुछ नहीं पता कि मैं वहाँ जा के इसको बुलवाता हूँ या मैं वापस आता हूँ, इस चीज़ का अभी कुछ भी नहीं आइडिया। अभी फ़िलहाल तो ये है कि यहाँ से जाना है, वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है। ये मैंने अपर लिया था पहनने के लिए, जिस दिन से लेके आया हूँ उसी दिन से इसको डबल सर्दी लगना शुरू हो गई है, उसी दिन से पहन के घूम रही है। इसका जो वो था ना टोपी, इसने उतार के खोल के रख दी और खोल के रख दिया, अब ऐसी पहन के घूम रही है। कौन सा लेना है तो मुझे क्या पता, तुम ले लो वाइट वाला, मैं नहीं खाऊंगा, तुम अपने लिए लो जो भी लेना है, मुझे बिल मैं वहाँ से दो चार वो उठा के खाऊंगा। मैंने सोचा हुआ कि मैं जाके ना जितने दिन भी वहाँ पर रुकूंगा, मैं जनाजे पे तो पहुँच नहीं सका, अब्बू की कब्र पे रोज़ जाके मैंने तिलावत करनी है, फातिहा खानी करनी है, और अब्बू के नाम का जो है ना रोज़ वहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ करते रहना है, क्योंकि यहाँ से जाने का मकसद ये है कि अब्बू की कब्र पे जाऊँ और अब्बू को जो है ना जाके मैं फातिहा खानी करूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है लोग तरह तरह के मैसेज करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, इग्नोर करते हैं। आप लोगों को पता है जिनका जो है ना जिनके साथ होता है ना कुछ, उनको पता होता है, इधर आओ ना वहाँ से आओ, जिनके साथ होता है ना उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, तो हमारे दिल में जो दर्द है जो दुख है वो हमें पता है कि कितना है। वहाँ पर हमारी मेरी फैमिली थी, वो भी बेचारी गम से निडालती। अब टेंशन ये थी कि मैं यहाँ पर पहुँचा और उसके बाद अब्बू की डेथ हो गई। मैं तकरीबन 10 से 15 दिन से वहीं पर था, 15 दिन वहीं पर था गांव में, और आप लोगों को पता है वहाँ पर मेरा 24 घंटे यही काम होता था। एक मिनट, मेरा 24 घंटे यही काम होता था वहाँ पर, मैं अब्बू की केयर करता रहता था और घर पर ही रहता था, मतलब कि मैं कहीं बाहर नहीं जाता था, टोटली घर पर रहता था पूरा दिन, और इस चीज़ का बहुत ख्याल रखता था कि यार अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, उनका मैंने ख़ास ख्याल रखना है। बस दो चीज़ें ली हैं आज की, शुक्र है, कहीं बाहर नहीं गए थे, बस दो काम थे आज हमारे, एक तो मैंने अम्मी के लिए शूज़ वगैरह लेना था और वो लिया, और उसके बाद मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाना था। मैंने कहा यार थोड़ा सा जब सीरियस मैटर होता है ना तो थोड़ा सा बंदे को जो है ना अपने काम पे फोकस देना चाहिए, तो मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गया था। और मेसी में जाते हैं ज़रा, मेरे ख्याल में बंद है जानम, यहाँ से जो है ना इसको पेन हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बोला था कि आप आ जाना। बंद है, खुला खुला खुला, शुक्र है शुक्र है शुक्र है, चलो चलो चलो, है पूछ लेते हैं जी क्या मसला है दोबारा, एक दफ़ा दोबारा भी हम लोगों ने मशवरा कर लिया उनसे, कोई इशू नहीं है, हल्का फुल्का पेन होता रहता है उसकी, उसके लिए टेंशन ना लें आप लोग। यार मोबाइल की वजह से इतने हम लोग टेंशन में है ना कि उस मोबाइल में हमारा डेटा था, प्लस हमने जो है ना व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई थी, यूट्यूब चैनल इसका बनाया, एक ही दिन में 400-500 सब्सक्राइबर आ गए माशाल्लाह से, बहुत अच्छा जो है रिस्पांस मिल रहा था यास्मीन के यूट्यूब चैनल को, अब वो भी रुक गया। अब अल्लाह पाक खैर करे कि मोबाइल जो है अल्लाह करे मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो फिर उसके लिए हमें दूसरा लेना पड़ेगा। आप लोगों को पता है दूसरा लेने के लिए भी जो है हमें तो आईफोन ही चाहिए, एंड्रॉयड से हमारा काम नहीं है। इधर से आओ ना, तो क्या हुआ, इधर से चलो मैं आ रहा हूँ, लाइट है ना इधर, तो हमने जब भी लेना है आईफोन ही लेना है, एंड्रॉयड से हमारा काम नहीं चलता, हमारा काम आईफोन से चलता है। अभी मेरे पास अच्छा फ़ोन है, मेरी वाइफ के पास एंड्रॉयड है, अभी मैंने सरप्राइज़ देने के लिए इसको 11 प्रो मैक्स लेके दिया था, इसने वो मुझे दे दिया। जानम इधर आना, मुझे ज़रा एक हुडी देखने दो, वो इसने मुझे दे दिया और ख़ुद जो है ना मेरे वाला 11 ले लिया। अब वो जो मेरे वाला 11 था मेरे हाथ में सही चल रहा था, जब इसके हाथ में गया तो वो नहीं चल सकती हो, चलो फिर अच्छा चलो 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 देख लो अभी आ तो गए इधर, चलो ना बस नहीं देखते फिर कल देख लेंगे, हाँ चलो फिर चलो कल देख लेंगे। यार इसको जो है ना पेन हो रहा है, ये कह रही है मुझे जाके आराम से बैठना है, मेरी बहनें, हाँ देख लो, मेरी बहनें वगैरह जो हमारे व्लॉग्स देखती हैं वो लोग हमें लाजमी मशवरा दिया करें कि हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ है, वो भी आप लोग अपने मशवरे लाजमी दिया करें। हम जो है ना आप लोगों के एक एक कमेंट पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कोई हमें गाली दे वो भी कमेंट पढ़ते हैं, कोई हमें अच्छा मैसेज करे वो भी कमेंट पढ़ते हैं, आप लोगों के कमेंट जो है ना हम लोग सब मैसेज और सब कमेंट पढ़ते रहते हैं, तो आप लोग लाजमी यास्मीन के बारे में अच्छे अच्छे मशवरे दिया करें, क्योंकि हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और दूसरी बात हम अपनी फैमिली से भी दूर है, क्योंकि हमारी फैमिली करीब होती तो वो हमें गाइड करती रहती, फ़ोन पे तो गाइड करते रहते हैं वो भी, बट आप लोग भी हमें गाइड किया करें कि हमारे लिए क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। आ जाओ, नहीं लेते फिर कल ही ले लेंगे, तो कल लास्ट डे है मेरा, कल ही ले लेंगे यार, आज नहीं लेते। चलो भाई दोबारा ये जनाब को अभी पेन हो रही थी, अभी मुझे कह रही है कि वापस चलो। हमने जो है ना मेरी सिस्टर की एक छोटी सी बहन है, मेरी सिस्टर की एक छोटी सी बेटी है, सॉरी 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 सॉरी, मेरी सिस्टर की एक छोटी सी बेटी है, और उसको ना हमने गोद लिया हुआ था, मतलब ये प्यार करती थी ना बहुत ज़्यादा,
तो उन्होंने जो है ना इसको दे दिया था। तो अभी उसके लिए कह रही है कि एक दो सूट ले लेते हैं, सर्दियां बहुत है। मैंने बोला चलो अब तुम्हें पहन नहीं हो रहा, अब मेरी बात पे ऐसा नहीं करो, चलो चलो चलो। हमारे बच्चों के लिए जो है ना, हमने जो है ना बच्चे भी तो बहुत पाले हुए हैं, जिसका बच्चा उठा ले हम कहते हैं ये हमें दे दो, तो वो भी आगे वाले भी सीरियस कहते हैं हाँ ठीक है हमने दिया, क्योंकि उनके अच्छे अच्छे आठ आठ बच्चे हैं। उन्होंने क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला ठीक है हमने आपको दिया। इसी तरह लेते लेते हमारे को 3 से 4 बच्चे हो गए हैं जिनके खर्चे जो है ना हमें उठाने पड़ते हैं, उनके कपड़े और उनकी ईदी वीदी हमें देनी पड़ती है। तो अभी आज सुबह हम देख रहे थे नहीं ले पाए, लेकिन अभी ये मुझे कह रही है कि बराबर में चलते हैं ले लेते हैं बच्चों के लिए कपड़े, कल दिन में तो टाइम मिलना नहीं है। और ये चेक करें, रोड के ऊपर यास्मीन अमजद टिकटॉक स्टार रोड के ऊपर पेस्ट्री खा रही है। चेक करें आप लोग कितना यास्मीन को वो करते हो। ओए होए होए, रोड के ऊपर पेस्ट्री कौन खाता है जानम, है बंद करूँ? अच्छा चलो चलें जी। जानम जो है ना अब दूसरे वाले में आ गई हैं, बच्चों के कपड़े देख रही हैं, लेकिन हमने गरम लेने हैं ना। हाँ वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है जाना, बहुत ज्यादा, समझती हो ठंड? हाँ वही कह रही हूँ, गरम लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर ये वाला मोबाइल चला गया तो अल्लाह पाक और देगा, अल्लाह पाक के जो है ना देर है अंधेर नहीं, अल्लाह पाक हमें और देगा इंशाल्लाह। इस बार हो गया जो है ना, हमारे नुकसान ही होते रहते हैं, आज एक और नुकसान हो गया हमारा, हम तो उसको बस अब भूल गए हैं अब कि अल्लाह पाक जो है ना हमें देगा और इससे भी अच्छा देगा। हो सकता है अल्लाह पाक हमें 14 Pro Max दे दे, 13 Pro Max कोई और दे दे, लेकिन यार उसमें हमारा डेटा था और उसमें हमारी हर चीज़ थी, बड़ी परेशानी वाली बात है यार। होया को पसंद आया कपड़ा? यार ये तो वाकई किलर प्राइस है भाई, बॉयज हुडीज 5 रुपए, ये तो जान लेने वाली प्राइस है। वो देखो इसको देखो इसको देखो इसको देखो, वाह हा हा, खुद को खुद मुक्के मार रही हो, खुद को खुद मुक्के मार रही हो। यार भाभी नहीं, मैंने एक गाना सीखा। क्या कैसे करो? नहीं कर रहा। क्या कह रहा काका? क्या बोल रहे? दोबारा बताओ। यारी मम्मा ना कर, गंदे पापा ना जांदा रहंगा। मैं गंदा हूँ? पापा गंदे? वो जो वहाँ पर लिखा हुआ है ना भैया कि जान लेने वाले प्राइस हैं, वो मुझे जरा बताओ जान लेने वाली हुडी कहाँ है? हुडी भी है काम की या नहीं? अल्लाह पाक को अच्छी हो तो मैं 3-4 ले लूंगा अपने लिए, 5 दिरहम की एक। वाकई किलर प्राइस है यार, अल्लाह करे हो VIP। अच्छा ये है, इनमें से है कोई काम की? ये 5 दिरहम? ये भी ये 5 दिरहम? यार ये तो हमारे कराची में जो है ना बाइक चलाते हैं ना, जैसे वो लोग मट्टी ना जाए अंदर शर्टों पे, तो वो पहनते हैं लाले। ये कौन किस टाइप की उड्डी है यार? ये कोई इतनी मज़ेदार उड्डी नहीं है यार, मैं इस इनका समझ रहा था, जैसे ये लगी हुई है ना मैं इनका समझ रहा था। और कौन सी है इधर देखो? ये सब 5 दिरहम की हैं, ये सब, ये सिर्फ 3, ये नहीं है? नहीं, ये मिक्स होगा। ओ यार ये तुम जो पहने हो ये कितने की है? 5। ये मुझे दे दो यार उतार के। जानम ना चौड़े में आके 5 दिरहम वाली उड़ी चेक कर। जानम यार वैसे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, पता है? सही है, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बुरी नहीं है फिर? बुरी नहीं है। हाँ वाकई वाकई। चलो लेकिन 5 दिरहम की है तो क्या हुआ, प्राइस पे नहीं जाओ ना, चीज किसी को दे देना वहाँ पर। वहाँ पे किसी को दे दूंगा या जब बारिश आएगी तो पहन लूंगा। बारिश में इसके ऊपर पानी भी नहीं आना। चलो आओ आओ जानो, हम और कुछ देख रहे हैं, जो हम लेने के लिए आए ना वो हम कभी भी नहीं ले पाते ना। मुझे जो लगता है ना जानो, ये इस रेट में चीजें मिले ना तो मैं तकरीबन 2 से 3 बैग भर के वहाँ पर मार्केट लगा दूं पाकिस्तान में लुंडे की। लेकिन ये लुंडे की नहीं है गाइस, ये इन्होंने ऑफ लगाया हुआ है। मोबाइल कैसे पकड़ा हुआ है तुमने? सही से पकड़ा। मोबाइल एक दिन ब्लॉगिंग करके मोबाइल पकड़ना भूल गई। हाय गाइस। हाँ इंट्रो दो अपना। इंट्रो दो। हाँ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं हूँ मिसेज अमजद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यास्मीन व्लॉग्स। हाय नाम चेंज है, नाम चेंज। आज मैंने अपनी सास के लिए ना सॉक्स लिए हैं, ये वाले यार ये बहुत अच्छे सॉक्स है, सीरियसली सॉफ्ट है, सॉफ्ट। अभी मुझे कह रही है कि ना बेबी के नाम का एक यूट्यूब चैनल बना के दो मुझे अभी से। बोला चले। अभी मम्मा का तो यूट्यूब चैनल चला नहीं और बेबी का इतने बना के को पनौती हो तुम लोग दोनों माँ बेटा, खबरदार मेरे बच्चे ने कुछ आखिया। तुम तो बहस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तुम तो पनौती हो ना, तू पनौती होवेगा नहीं होवेगा। यार हम लोग बच्चों के कपड़े लेने आए हुए हैं लेकिन गर्म नहीं मिल रही है, देख रहे हैं? नॉर्मल तो है लेकिन ये जितनी सर्दी होती है उतनी ही लगाएंगे ना। हाँ ये है, वहाँ पर आप लोगों को पता है गांव में पंजाब में इतनी सर्दी है ना जानम, यहाँ से वहाँ तक बंदा नजर नहीं आता। और हम लोग इस टाइप के आप आए हो तो जानम आप
धुआं निकल, मेरे मुंह से धुआं निकल रहा था, मैंने एक व्लॉग में दिखाया था उस वक्त, हालांकि एक महीना हो गया, अब तो बहुत ज्यादा ठंड है वहां पर। कहते हैं कि भाई करीब से बंदा नजर नहीं आता, तो उसके हिसाब से अगर हमने यहीं से लेने हैं तो कुछ गर्म तो हो, मतलब वो पहने इतने गर्म हो, मेरे ख्याल से उससे वहीं से जाके लिए जाएं। पता क्या है कि इधर तो मिल नहीं रहे, उधर से तो मिल जाएंगे, तो उधर सीन। और एक और सीन भी है यहाँ पर, जो चीज 50 दिरहम की मिल रही है ना, मतलब 2500 की, वहाँ से वो चीज 800 से 700 की मिलती है, पता है तुम्हें इस बात का, और गर्म भी होगी। हाँ फिर चलो वहीं से ले दूंगा मैं तो, गाइस यहाँ से नहीं लेते, तो ले लेते छोटी के लिए। यार अब कहाँ से, ये भी वही है जाना, बच्चे इसके ऊपर तो 10 चीजें और पहना देंगे वो बच्चों को, ठंडी इतनी है, उससे बेहतर है वहीं से ले दूंगा उनको मैं। ले लो सॉक्स, तुम्हारे भरे पड़े हैं सॉक्स, फिर भी तुम सॉक्स ले लो, सॉक्स ले लो। और ये तो गलत एरिया में आ गया मैं, लेडीज एरिया में आ गया। सारा माल जो है मंगवा लिया, सुबह ओपन करूंगा इंशाल्लाह। ये मेरी शॉप है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी मार्केट है, सुबह ओपन करूंगा। यार छोड़ दो, अब छोड़ दो, तुम जहाँ भी जाती हो अपने लिए देखने। ये इस सेम इसी तरह की पैंट तुम यहीं से लेके गई थी गाइस, ये चेक करें, ये वाली पैंट ये पहनती रहती है अक्सर वीडियोज में, ठीक है, और लड़कियां इसको कमेंट भी करती हैं कि हर वक्त तुम एक ही पैंट पहनती रहती हो। मैं बताना चाहती हूँ अपनी बकवास बंद रखा करो, क्योंकि मेरे पास इसी टाइप की 3 पैंट्स हैं। मैं तुम्हें जहाँ भी लेकर गया हूँ ना, उसी जगह तुमने अपने मेकअप की चीजें चेक की हैं, पता है मिलती हैं नहीं मिलती, तुम फिर भी लेने लग जाती हो। ये देखो ये चीजें चेक करने लग जाती है, अभी ये चेक कर रही थी, ये टेस्टर है वैसे, इसका ओरिजिनल कहीं और रखा हुआ होगा, टेस्ट करने के लिए चीजें रखी हुई हैं यहाँ पर, दिखाओ कितना कलर है, बहुत बेकार है। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेके दूंगा, उठ जाओ, खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ। यार मैंने एक ये बैग लिया अपने लिए ट्रैवल के लिए, बहुत खूबसूरत है, इसके अंदर पावर बैंक वगैरह, मोबाइल वगैरह, हैंड फ्री वगैरह डालने के लिए। और एक मैंने अपने लिए टावल लिया है, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होगी, ये चेक करें टावल, एक मैंने टावल लिया अपने लिए, और एक मैंने ये बैग लिया है, इसमें पावर बैंक वगैरह डाल सकता है बंदा, और इसके अंदर जो है एयरपोर्ट्स वगैरह डाल सकता है, अपनी चार्जर वगैरह डाल सकता है, तो इतना बड़ा बैग रखने से बेहतर एक छोटा सा बैग ही बंदा रख ले। छोटा मोटा सामान लेके अपने घर की तरफ जा रहे हैं, व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह इंशाल्लाह एयरपोर्ट के ऊपर। उम्मीद तो यही है कि नेक्स्ट व्लॉग एयरपोर्ट के ऊपर होगा, बाकी देखते हैं कि दूसरा व्लॉग कहाँ पे होता है। इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।